Hello guys, subscribe the Kristen Knowledge channel and hit the bell icon to get all the latest notification about the technical and educational videos. प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर में ये इक्वल है कैसे अगर बेस सेम हो रहा है तो हम लोग एक डायग्राम जनरेट करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए. ठीक है, हम लोग बात करते हैं थ्योरम 9.1. ठीक है, तो एक फिगर है हमारे पास. नेमिंग अप कर लो ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, बेस सेम है हमारे पास चीजें. यहां से दो पैरेललोग्राम्स जनरेट हो रहा है, एक ए बी सी डी और एक ई एफ सी डी. दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स के जो एरिया होंगे आपस में इक्वल होंगे. मतलब हमें यही प्रूफ करना है. ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है. तो फिगर को ध्यान से देखने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है इस चीज को देखते हैं. ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा. ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा. कैसे होगा? अगर आपको ये चीज ध्यान में आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया था, तो इक्वल होता है ना. तो इस वजह से हमारा ये और ये इक्वल हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए और डी इक्वल होगा एंगल बी एफ सी के. लिख सकते हैं, इसको वन दे दीजिए. एंगल डी ए इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के. ठीक है, थर्ड जो हमारा है ये इक्वल होगा हमारा एंगल ए डी ई, जो कि इक्वल है एंगल बी सी एफ के. ठीक है, ये हमारा इक्वल हो रहा है. ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, हमारा ये इक्वल हो रहा है. अब देखिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगा. क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल्स आपस में, यहाँ पर पैरेललोग्राम अगर देखा जाए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम जनरेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ भी एक पैरेललोग्राम जनरेट हो रहा है, तो हमारा जो साइड होगा वो ए डी वो इक्वल होगा साइड बी सी के. ये जो साइड होगा और ये जो साइड होगा इक्वल होगा. ठीक, तो जो एबीसीडी है, एबीसीडी के जो साइड्स अपोजिट्स हैं, ठीक है, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है हमारा, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम हमारा है एबीसीडी के अपोजिट साइड्स होने की वजह से, ठीक, अपोजिट साइड्स होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो इस वजह से हमारा जो ट्रायंगल होगा, एक्चुअली में जो ट्रायंगल हमारे पास ए ई डी, वो कॉन्ग्रेस हम लोग कर सकते हैं बी एफ सी किससे? साइड एंगल, सॉरी, एंगल साइड एंगल से. ठीक है, एंगल साइड एंगल से हमारा ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया. अब पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इफ टू फिगर्स कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, देन दे मस्ट हैव द इक्वल एरिया. तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जो एरिया होगा हमारा ए ई डी वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बी एफ सी के. ठीक है, इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तक आ गया, यहाँ तक क्या था, स्टॉप करते हैं और इस फिगर को ध्यान से देखते हैं. ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं हम लोग लिखते हैं क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी डी. क्या लिखें? एरिया ऑफ ए बी सी डी एक्चुअली बना किससे? एक ट्रायंगल के छोटे से पार्ट से, जो कि हमारा एरिया ऑफ ए डी है. ए ई डी प्लस किससे बना है? ये प्लस बना है ये छोटे, ये बीच वाले पार्ट से. हाँ, ई बी सी डी. ठीक है, क्या लिखेंगे?
ई बी सी डी लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ए डी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी, और ए डी हमारा इक्वल है एरिया ऑफ बी एफ सी के, है ना। तो एरिया जो है हमारा ए डी वो इक्वल हमारे बी एफ सी के प्लस एरिया ई बी सी डी। अब इस पूरे होल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ई एफ सी डी, लिख सकते हैं ना कि जो एरिया है हमारा ए बी सी डी वो इक्वल हो गया एरिया ऑफ ई एफ सी डी के। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में जो एरिया जो है हम दोनों के इक्वल है अगर वो दोनों कॉमन बेस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिए, मीडियन वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा थ्योरम 9.1 हो गया, ये सारे नोट्स में है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्लीज एक्सरसाइज बनाइए और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने की। फिलहाल के लिए बस कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानिए, और एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा अगर जो भी स्टूडेंट बनाते हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट के थ्रू आप मांगिए, मैं आपको दूंगा, और जो भी क्वेश्चन जैसे आरडी का होगा मैं उसको डेफिनेटली बना के आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। थ्योरम आगे बढ़ते हैं 9.2 पर। थ्योरम 9.2 में क्या बोला जा रहा है कि वही चीज है सेम, बस यहाँ ट्रायंगल के टर्म से चेंज कर दिया गया है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस आर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन अ एरिया। अगर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, फिर 9.2 जो है ना एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें बताना है कि चूंकि कॉमन बेस है तो और पैरेलल्स के बीच में भी है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कि एडी के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है और इनको मिला देना है, ठीक है। इनका नाम आप लोग दे दीजिए कि और एबीसीडी हो चुका है, ठीक है, इसको पी और इसको बोल देते हैं आर, ठीक। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्या कि आपको दो पैरेललोग्राम्स दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा ए बी पी डी, दूसरा दिख रहा होगा ए बी आर सी, दो पैरेललोग्राम्स आपको दिख रहे हैं और दोनों के दोनों कॉमन बेस पर हैं, इस वजह से इन दोनों के दोनों एरिया भी इक्वल है, जो कि थ्योरम 9.1 में हम लोगों ने देख चुका है। तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा है ए बी पी ए बी पी डी वो इक्वल है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर सी, ए बी आर सी, ठीक है, ये हो गया इक्वल। दूसरा चीज आपको क्या देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो हम लोगों ने कॉन्वेंट में या थ्योरम में एक चीज पढ़ा था क्वाड्रिलेटर में कि अगर एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है, तो उनका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को इक्वली क्या करता है, वो दोनों क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होता है आपस में, कॉन्ग्रेंट होगा तो एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो उसी तरह जब ये पैरेललोग्राम आप देख रहे हो ए बी पी डी में, ठीक है, तो ये इसका डायगोनल आपको नहीं दिख रहा, लिखा नहीं एक डायगोनल, जिस वजह से इनका एरिया भी आपस में इक्वल हो गया। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ए बी डी, एरिया ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ए बी पी डी, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम ए बी पी डी, ठीक है।
उसी तरह से आप लिख सकते हो, अगर इस पैरेललोग्राम में देखो ए डी आर सी में ये आपका एज अ डायगोनल एक्ट कर रहा है, तो जिस तरह लिख सकते हो कि ए बी सी एरिया जो है ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर सी, ठीक है। इसको लाइन वन दे दीजिए, इसको टू और इसको थ्री, ठीक है। तो एरिया ए बी डी भी मिल गया, एरिया ए बी सी भी मिल गया, और चूंकि ए बी डी और ए बी आर सी तो आपस में इक्वल ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकता है, आप चाहो तो काट सकते हो, इस वजह से आप लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा एरिया ए बी डी और एरिया ए बी सी आपस में इक्वल, ठीक है। तो हमारा ये जो थ्योरम है 9.2 वो प्रूफ हो गया कि अगर सेम बेस पर दो ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम है 9.3 जो कि इसी का कन्वर्ज है। कहने का ये मतलब है कि दो कि अगर कोई फिगर है सेम बेस पर उनका एरिया आपस में इक्वल है तो वो प्रूफ कीजिए वो सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 4 बना लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस थ्योरम को बस दिमाग में रखिएगा, याद रखिए, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। थ्योरम आप बोर्ड पर देख सकते हो, बस इतना से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम 9.1 9.2 9.3 इंपॉर्टेंट है, इसको 9.1 9.1 और 9.2 का प्रूविंग थोड़ा सा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एक्सरसाइज बनाओगे तो कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा, तो आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 9.3 को बस माइंड में रखिए, इस लाइन इस चैप्टर का जो इनिशियली पॉइंट है शुरू से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो वीडियो को पूरा देखो, क्लास से अंत तक देखो, ठीक है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि सर्कल है वो मैं लाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो अगर लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और लाइटनिंग का जो वीडियो का डेकोरेशन आपको ठीक लगा कि नहीं लगा वो भी थोड़ा बता दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों जिसका एग्जाम आने वाला है, और प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर आप लोग को भी आप लोगों की लाइक और लव की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कोशिश करो कि थोड़ा मेरा चैनल ग्रो हो जाए क्योंकि मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, और आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, लिंक नोट्स के सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर आप चाहो तो कमेंट के थ्रू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बाद बाकी तैयारी करिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।